प्रशासन है। हिमांशु का हत्यारा कौन है? अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन मौन है। हत्यारा कौन है? अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन मौन है। हिमांशु के हत्यारों को फांसी प्रशासन मौन है। हिमांशु का हत्यारा कौन है? हिमांशु के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन हो, फांसी दो। हिमांशु के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन, हिमांशु के हत्यारों को, अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, फांसी दो, फांसी दो। हिमांशु के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन मौन है। हिमांशु के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दी दो। हिमांशु के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हिमांशु के हत्यारे हमारे एक बच्चे को जो कि बीटेक का छात्र था हिमांशु धर्मशक्तु, जिसको अल्मोड़ा में निर्मम उसकी हत्या हुई है। आज 23 दिन बीतने के बाद भी उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में, शांतिप्रिय राज्य में, कानून का जिस हिसाब से मजाक उड़ाया जा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसलिए हम सारे जोहारवासी आहत हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि इसमें जल्द से जल्द खुलासा हो। अगर उत्तराखंड के अल्मोड़ा की पुलिस इसमें नाकाम है, केवल उसको कानून से कोई लेना नहीं है, तो हम मुख्यमंत्री से इस बात का आग्रह करते हैं, ये हमारा प्रार्थना करते हैं कि जाँच एजेंसी चेंज करी जाए और तुरंत हम ये CBI से इसकी जाँच कराई जाए।